हमने चैनल पर कुछ दिन पहले आपको बताया था कि यूपीपीएससी अप्रैल 11 तक अपने दोनों ही एग्ज़ाम के रिजल्ट, यूपीपीएससी मेंस 2017 और यूपीपीएससी प्री 2018 के रिजल्ट जारी कर देगी। यह जो न्यूज़ है वह लोकल न्यूज़पेपर और सोर्सेस से बैक थी। अभी रिजल्ट के रिगार्डिंग आयोग की तरफ से कोई नया अपडेट तो नहीं आया है, पर रिजल्ट को लेकर आयोग का क्या रवैया है आप इस वीडियो में आगे देखेंगे। जैसा कि हमने आपसे भी कहा था कि अगर आप भी चाहें तो अपने रजिस्ट्रेशन नंबर के अगेंस्ट आयोग से सवाल पूछ सकते हैं, उसके बदले में आपको एक रेफरेंस नंबर मिलेगा जो फ्यूचर में फॉलोअप में काम आएगा। तो हमने आयोग से की ऑफिशियल मेल पे उनसे फिर से सवाल पूछा और उसके बदले में क्या जवाब मिला है तो आप खुद देखिए। वो जवाब में आयोग ने कहा है कि प्लीज़ वेट एंड विजिट UPPSC वेबसाइट रेगुलरली, इन केस ऑफ एनी इनकन्वीनियंस प्लीज़ कॉल। तो आयोग कह रहा है कि वेट कीजिए, इंतज़ार कीजिए और रेगुलरली हमारी वेबसाइट को देखते रहिए, और अगर आपको कोई इनकन्वीनियंस हो रहा है, कोई डाउट है, तो आप दिए हुए नंबर पर फ़ोन कर सकते हैं। अब दिक्कत यह है कि हमारे देश की जो संस्थाएँ हैं उनका ग्रीवेंसल रेड्रेसल सिस्टम इतना अनुपयुक्त और नॉन फंक्शनल है कि उससे किसी समस्या का समाधान मिल जाए यह मुश्किल लगता है। आयोग ने दिखाने के लिए मेल आईडी तो दिया हुआ है, पर वह मेल जो रिसीव करते हैं उसको कितनी बार पढ़ा जाता है और उस पर क्या एक्शन लिया जाता है, इवन क्या उस पर कभी चर्चा भी होती है, चलिए इस बारे में कुछ नहीं कहते हैं। आयोग से पूछे गए सवालों के बदले में जो आयोग रिप्लाई कर रहा है, ऐसा लगता है कि वह सिस्टम जनरेटेड ऑटो रिप्लाई है। ऐसा नहीं है कि हमारे मेल कोई बैठकर पढ़ रहा है और उसके बाद उसका जवाब दिया जा रहा है। सिस्टम में दो लाइन फीड की हुई है, हम कोई भी सवाल पूछे बदले में हमें वही जवाब मिलेगा। जिस काम के लिए आयोग को बनाया गया है, अगर वह काम ही वह ना करे तो क्या। अब आयोग तो संवैधानिक बॉडी है, बट चरणबद्ध तरीके से एग्जाम ना कंडक्ट कर पाना यह कहीं ना कहीं उनकी नॉन फंक्शनैलिटी को दिखाता है और उनका ट्रैक रिकॉर्ड बताता है कि वह उनका परफॉर्मेंस कैसा है। इवन कोर्ट्स में भी उनका परफॉर्मेंस दिख ही जाता है। बात सिर्फ आयोग तक ही नहीं है, सरकारें भी रोजगार को लेकर रोजगार के सवाल पर संजीदा नहीं दिखती हैं। हमने मुख्यमंत्री को भी ट्विटर पर ट्वीट करके रिजल्ट के बारे में कई बार पूछा, पर बदले में उनका कोई जवाब नहीं आया। सरकार नए जॉब्स तो क्रिएट कर नहीं पा रही है, सिस्टम में जो खाली पड़े पद हैं उनकी भी भर्ती रेगुलरली नहीं होती है, और जब कभी भी भर्ती आती है तो वह लटक जाती है। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि सरकारें भर्ती नहीं करना चाहती, बस भर्ती की प्रक्रिया चाहती हैं, कि मतलब उन्हें दिखना है कि हम भर्ती कर रहे हैं, भर्ती करते हुए सिर्फ वह दिखना चाहते हैं। अब सरकार की संजीदगी का अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि सरकार ने असिस्टेंट टीचर की जो 69,000 पोस्ट निकाली थी उसकी भर्ती ना होने को लेकर बच्चे कोर्ट पहुंच गए थे, एंड देन कोर्ट ने सरकार को 2 महीने के भीतर भर्ती करने का आदेश दिया था। तब तो सरकार ने कहा कि ठीक है हम भर्ती करेंगे, बट सरकार ने बिना पब्लिक डोमेन में बताए वो वापस कोर्ट पहुंच गए पुनर्विचार याचिका लेकर कि प्लीज़ आप इस विचार पर, इस जॉब का निर्णय है उस पर फिर से विचार करिए और हमें टाइम दीजिए। बट ऑल दो कोर्ट की तरफ से उन्हें फिर से फटकार लगाई गई और जल्द से जल्द भर्ती करने के लिए कहा गया। तो अब क्या सरकारें और भर्ती आयोग सिर्फ कोर्ट की फटकार और कोर्ट के निर्देश के बाद काम करेंगी। अब अभ्यर्थियों की दिक्कत यह है कि हम करें तो करें भी क्या। ठीक है अगर हमारी एजेंसियां काम करने से ज़्यादा इम्पोर्टेंस भर्ती काम करते हुए दिखने को दे रही हैं तो अब हम कर भी क्या सकते हैं। ये सच है कि हम हेल्पलेस हैं, बट इतने भी नहीं, हम भी तो कुछ करते हुए दिख ही सकते हैं। अब हमारे पास दो ऑप्शन है, पहला या तो हम वेट करें जैसा कि आयोग ने कहा है और रेगुलरली समय समय पे जाकर उनकी वेबसाइट चेक करते रहें, और दूसरा कि हम उनसे सवाल पूछें और उसके बाद हम इंतज़ार करें। ऑल दोनों ही केसेस में इंतज़ार तो हमको करना ही है, बट ज़्यादा से ज़्यादा हम उनसे सवाल पूछ सकते हैं, सवाल कर सकते हैं और ऐसा करते हुए दिख सकते हैं। एट द एंड ऑफ डे सवाल पूछना कभी गलत नहीं होता। जिस काम के लिए एजेंसीज का गठन किया गया है वह अगर वह नहीं कर पा रही हैं तो सवाल तो हम कम से कम पूछ ही सकते हैं। हम सवाल सिर्फ पूछ सकते हैं और वह हम कर भी रहे हैं, और एक तरह से वह जन दबाव है। अब जन दबाव जो है वह सरकार से काम कराने का एक बहुत इम्पोर्टेंट टूल है। पिछले दिनों आपने राजस्थान पीसीएस को लेकर यह देखा होगा कि जन दबाव कितना इम्पोर्टेंट है।
वहाँ पर बाद में रिजल्ट घोषित करने के बाद ओबीसी का कट ऑफ जनरल के बराबर किया गया कम करके, और 7,000 से अधिक बच्चों को मेंस के लिए क्वालिफाई किया गया। और देन बाद में उन्होंने वहाँ के बच्चों ने आंदोलन किया, और उसके बाद उन्हें प्रिपरेशन के लिए जनरल के बराबर मौका दिया गया और एग्ज़ाम को पोस्टपोन भी किया गया। तो इस बात यही अपने आप में स्थापित करता है कि जन दबाव कितना इम्पोर्टेंट है, और इवन इलेक्शन का टाइम है तो पब्लिक प्रेशर कितना इम्पोर्टेंट और इफ़ेक्टिव है आप सब यह जानते भी हैं। तो अब आपने क्या करना है ये आपके ऊपर है, ये आपका डिसीजन है। आप चाहे तो आयोग को मेल करिए, मेल आईडी आपके पास है, उनका नंबर दिया गया है, फ़ोन करके पूछिए रिजल्ट कब तक आएगा। और यह कुछ गलत नहीं है अपने आप में, सवाल पूछना कभी भी गलत नहीं होता लोकतंत्र में, यह हमारा अधिकार है, इवन हमारा कर्तव्य भी है। तो हम तो अवेलेबल चैनल से अपने स्तर पे सारे प्रयास करेंगे ही, ट्विटर पे, मेल पे और फ़ोन नंबर के थ्रू हम तो आयोग से सवाल पूछेंगे ही, अगर आपको पूछना है तो आप भी पूछिए, अदरवाइज हम तो अपने स्तर पे कर ही रहे हैं। तो अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक और शेयर करिए, और ऐसा करते हुए बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि इस बारे में जब भी कोई नया अपडेट आएगा तो वह हम आप तक पहुंचा देंगे।